नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पत्रकारिता अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो पत्रकार इसका एक सजग प्रहरी। देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पत्रकारिता आजादी के बाद भी अलग अलग परिदृश्यों में अपनी सार्थक जिम्मेदारियों को निभा रही है। लेकिन मौजूदा दौर में पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमला और उनके साथ अभद्रता बढ़ती जा रही है। आरा में दो पत्रकारों की हत्या और दिल्ली में दो महिला पत्रकारों के साथ दिल्ली पुलिस की अभद्रता के बाद देश में पत्रकारों के ऊपर खतरा बढ़ गया है। तो क्या आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है? इसी खबर पर आज चर्चा। देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पत्रकारों के साथ हो रहे अभद्रता और उनकी हत्याओं से यह साबित हो चुका है। देश में पत्रकार सुरक्षित नहीं, देखिए कितना। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर खतरा। आरा में दो पत्रकारों की हत्या, दिल्ली में दो महिला पत्रकारों के साथ मारपीट और छेड़छाड़, पत्रकारों की हो रही है हत्याएं, पत्रकारों के साथ हो रही है अभद्रता, तक पत्रकार असुरक्षित रहेंगे? देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। शुक्रवार को जेएनयू छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कवरेज करने गए दो महिला पत्रकारों के साथ दिल्ली पुलिस की महिला कर्मियों ने मारपीट की थी, साथ ही महिला पत्रकार का कैमरा भी छीन लिया था, जिसके विरोध में कई मीडिया संगठनों के एक समूह ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और एक हेड कांस्टेबल है और आगे की जांच की बात कही जा रही है। वहीं बिहार के आरा में भी दो पत्रकारों की हत्या पर बवाल मच गया। हालांकि बिहार के भोजपुर जिले के दो पत्रकारों की हत्या करने के आरोप में पूर्व मुखिया के पति मोहम्मद हरसू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना के बारे में बताया जाता है कि दोनों पत्रकार रामनवमी जुलूस के कवरेज के बाद बाइक से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में स्कॉर्पियो गाड़ी से उन्हें बुरी तरह कुचल दिया गया। उसके बाद लोगों ने जमकर बवाल मचाया। वहीं इस हत्या के पीछे के कारणों को जानना चाहा तो पूर्व मुखिया के पति मोहम्मद हरसू और पत्रकार नवीन निश्चल के बीच किसी खबर को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद हरसू ने नवीन को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। लगातार पत्रकारों की हत्या, मैंने भी कहा कि बिहार में यह सातवां हत्या है पत्रकारों की। नीतीश कुमार जब दूसरी बार आए शासन में तो यह नवीन निश्चल मिलाकर के सात पत्रकारों की हत्या हुई। पत्रकारों की हत्या हो रही है, सरकार गंभीर नहीं है। सरकार अगर गंभीर होती तो हत्याएं नहीं होती। सरकार एक भिखमंगे को सुरक्षा दे सकती है, लेकिन पत्रकार को नहीं दे सकती है। भोजपुर का जो एसपी है अवकाश कुमार, जब वो गया में सिटी एसपी था तो वहाँ मितेश पांडे की हत्या हो गई। यहाँ आरा में आया तो नवी निश्चल मारे गए। एसपी घुसखोर है वहाँ का, पुलिस मतलब क्या काम करता है? क्या इस तरह की बात होगी, वहाँ पत्रकार नहीं मारे जाएंगे? अब क्या आगे क्या लगता है, क्या करना चाहिए? बस हमारा प्रतिरोध जारी है, प्रतिरोध रहेगा। और हम मांग करते हैं कि अगर नीतीश सरकार सुशासन की बात करती है, अगर माननीय मुख्यमंत्री थोड़े से भी उनमें उनके 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 मन में पत्रकारों के प्रति रहम दिल है, और अगर वो वास्तव में लॉ कानून की बात करते हैं, लॉ ऑफ रूल की बात करते हैं, तो उनको बिहार में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाना चाहिए। पत्रकार को गाड़ी से रौंद कर मारने के मामले पर बिहार विधानसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कार्रवाई शुरू होने से पहले जहां विपक्ष ने मुख्य पोर्टिको में नारेबाजी की, वहीं सदन के अंदर भी इस मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। चली जा रही है, यहां तक कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जो पत्रकारिता है, दो पत्रकार की हत्या की गई है। इस राज्य में नीतीश कुमार हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं और बीजेपी और आरएसएस के लोग और जदयू के लोग कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं।
बिहार में कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, छात्र हो, हर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि आप समय रहते अपने पद से त्याग पत्र दो कि आपसे ये सरकार नहीं चल रही है, आप बीजेपी और आरएसएस के गोद में बैठे हैं। आरा में हुई दो पत्रकारों की मौत हत्या है या सड़क दुर्घटना, इसको लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर खतरा बना हुआ है, जिसकी सुरक्षा के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। न्यूज इंडिया के लिए गौतम चौरसिया की रिपोर्ट। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो खतरे में है, क्योंकि पत्रकारों पर एक तरीके से प्रहार लगातार हो रहे हैं। आरा में दो पत्रकारों की हत्या हुई है। सड़क हादसा जरूर है, लेकिन जब मामले की तह तक जाया गया तो पता ये चलता है कि जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसका और पत्रकार के बीच खबर को लेकर विवाद चल रहा था। इसके अलावा हमने दिल्ली में भी देखा कि किस तरीके से महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई। तो पत्रकारों के साथ लगातार अभद्रता और उनकी हत्याओं की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है, तो इस वक्त हमारे संवाददाता पटना से नीरज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दो पत्रकारों की मौत हुई है आरा में, खबर इसको लेकर आखिर पुख्ता तौर पर क्या कुछ मिल रही है, क्योंकि आज पटना में पत्रकारों ने विरोध भी किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। जी, आपको बता दूं अभिषेक, जिस तरह से आपने पूछा कि आगे की क्या इस पे कार्रवाई हो रही है, तो आपको बता दूं कि यहाँ जो आरा में जिन दो पत्रकारों की हत्या की गई है स्कॉर्पियो गाड़ी से कुचलकर, उसमें जो है साफ तौर से गढ़वाली के पूर्व मुखिया उनका नाम आ रहा है। और साफ तौर से जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट हमारे पास आई है वो यही आई है कि वो पत्रकार बार बार उनके खिलाफ लिख रहे थे। देखिए, आपको बता दूं कि साफ तौर से जब कोई गलत करता है तो पत्रकार उसके खिलाफ लिखता है, और इसके खिलाफ मुखिया ने कई बार उनको चेतावनी भी दी थी। हालांकि जो हमारे सूत्रों के द्वारा पता चली है कि वो जो पूर्व मुखिया थे वो गांजा के तस्कर थे, और कहीं ना कहीं गांजा की खेप जब उनकी बरामद हुई और इसको लेकर जो एक निजी अखबार के पत्रकार थे उन्होंने इस बारे में लिखा, तो उन्होंने साफ तौर से उन्हें धमकाया भी था कि आप कुछ ज्यादा लिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने इनकी बात नहीं मानी और वो अपने कलम को लगातार लिखते रहे। देखिए, हमारा काम ही यही होता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता करें, और कहीं ना कहीं इसी बात की सजा उन दोनों पत्रकारों को मिली है। कल देर रात की यह घटना है जब आरा के गढ़हनी में स्कॉर्पियो गाड़ी से दोनों पत्रकारों को कुचल दिया जाता है, और इसी बात का विरोध आज पटना के डाक बंगला चौराहे पर भी दर्ज कराया गया है। पटना के तमाम पत्रकारों ने कड़ी धूप में पटना के डाक बंगला चौराहे के पुलिस चेक पोस्ट के नीचे करीब आधे घंटे तक बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है, और साफ तौर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकार सुरक्षा जो बिल है उसे लागू करने की मांग की है। देखिए, आपको बता दूं कि किस तरह से नीतीश सरकार की अगर हम दूसरे शासनकाल की बात करें तो इस पूरे शासनकाल में जो दूसरा इस टर्म का जो शासनकाल है इसमें कुल 7 पत्रकारों की अभी तक हत्या हो चुकी है, अगर अभी के रिकॉर्ड के हिसाब से हम देखें तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला बनता है, और इसी को लेकर सारे पत्रकार एकजुट हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ये मांगे रखी है कि जल्द से जल्द बिहार में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। अन्य प्रदेशों की अगर हम बात करें तो अन्य प्रदेश में इस तरह के कानून लागू है, पर बिहार में लगातार इस बात की मांग की जाती रही है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, पर इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी बात का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और कल जो पत्रकार की हत्या हुई है उसके विरोध में आज करीब आधे घंटे तक पटना के डाक बंगला चौराहे पर पत्रकारों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। अब साफ तौर से जिस पत्रकार के की हत्या हुई है उनके परिजनों के भरण पोषण की मांग की है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार पत्रकारों से हमला हो रहा है उसकी जमकर निंदा की है। बिल्कुल, अमिताभ ओझा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद सर। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है तो उसका एक प्रहरी है एक पत्रकार। अगर बिहार में इस तरीके के हालात रहे, क्योंकि हमने जो देखा है पिछले कुछ वक्त में बिहार में कई पत्रकारों की हत्या हुई है,
तो अगर इस तरीके के हालात रहे तो फिर कैसे पत्रकार जो है वो खुलकर पत्रकारिता कर सकेगा और कैसे वो अपनी कलम चला सकेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह सोचने वाली बात है। और आपको बता दें कि 2016 से लेकर 2018 यानी कि ये पिछले दो साल के दौरान बिहार में 8 पत्रकारों की हत्या हुई है। राजदेव रंजन से अगर शुरुआत करें तो वहां से लेके विक्रमगंज में पत्रकार की हत्या हुई, मधुबनी में पत्रकार की हत्या हुई, भागलपुर में पत्रकार पे गोली चली, ये हत्या की बात करें। इसके अलावा प्रताड़ना के भी कई मामले हैं जिन पे जो घटनाएं हाल के दिनों में घटित हुई हैं। लेकिन तमाम घटनाओं के बाद अगर हम देखें तो सरकार का जो आश्वासन है, सरकार सिर्फ इस बात को लेकर कहती है कि हमने पत्रकार सुरक्षा कानून जो की मांग हो रही है उसको लागू करने में, अभी 2 दिन पहले ही विधानसभा में इस बात को लेकर बहस हुई थी और उसमें सरकार ने सीधा जवाब दिया था कि नहीं, पत्रकार सुरक्षा कानून बिहार में अभी लागू होने नहीं हो पाएगा। और उसमें आंकड़े भी पेश किए गए थे कि पत्रकारों पर क्या हमला है। सरकार ने माना था कि इसके लिए हमने पुलिस मुख्यालय में अलग से कोषांग बनाया है जो ये इन मामलों की जांच करता है। लेकिन ये सब काजी बातें होती हैं और फील्ड में जब रिपोर्टर काम करता है तो उसके सामने निश्चित तौर पर इस तरह के कोई मामले कोई हम कहें कि जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं वहां, घटना घटने के बाद जरूर हल्ला हंगामा होता है, एक धरना प्रदर्शन का दौर होता है, लेकिन जो वस्तु जो मूल कारण जो है, जो मूल स्थिति है, जो खौफ समाप्त होता जा रहा है पत्रकार को के प्रति जो हमला करने वाले हैं उनको लेके, वो खौफ समाप्त होता जा रहा है, वही वजह है कि घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो जिस तरीके से कहा यह जाता रहा है और नीतीश कुमार सत्ता में आए तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आए कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज, लेकिन हालात तो अब शायद ज्यादा बदतर दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, जो ये स्थिति है विधि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, जो नीतीश कुमार सुशासन की सरकार लेके पहला जो 5 साल था, लेकिन उसके बाद की अगर हम घटनाओं को देखें तो सुशासन की सरकार और आगे जंगल राज की बात, तो बिल्कुल जिस तरीके से पहले घटनाएं होती थी वो घटनाएं अभी भी हो रही हैं। ये बिल्कुल ये खौफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जिस मुखिया ने इस घटना को अंजाम दिया, पूर्व मुखिया ने, उसकी मेंटेलिटी क्या होगी। वो पहले धमकी देता है और 2 घंटा के बाद अपनी गाड़ी से 2 लोगों को कुचल देता है। उसे पता होता है कि हम गाड़ी से कुचलेंगे तो उसका ऑफेंस क्या होगा। निश्चित तौर पर इस बात की जानकारी उसे मिल रही होगी और कहीं ना कहीं दिमाग में होगा, अगर हम एक्सीडेंट, अभी इस केस में मुखिया की गिरफ्तार, पूर्व मुखिया की गिरफ्तारी होगी, बेटे की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्या होगा, ये MBIX में मामला जाएगा, वहां पे गैर निरातन हत्या का मामला दर्ज होगा। अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे फॉलो करने की बात होगी, अगर हम फॉलो अप करते हैं तब तो हो सकता है कि उसमें जो चार्जशीट दाखिल होगी उसमें तथ्यों को रखा जाए, अन्यथा जो बाकी मामलों में होता है कि जब हल्ला हंगामा का दौर समाप्त होता है उसके बाद फिर वही पुलिस की चार्जशीट दाखिल हो जाती है और आरोपी जो है खुलेआम बाहर आते हैं, फिर वही धमकी भी देते हैं। तो इस बात को लेकर ये गंभीर समस्या है और इसके लिए पूरे जितने भी पत्रकार बिरादरी है, मामला सिर्फ नहीं, आप देखें कि किस तरीके से बिहार में घटना है, भिंड में भी इसी तरीके से एक पत्रकार को खान माफियाओं ने ट्रक से कुचल दिया। तो ये घटनाएं सब जगह की हैं और सबको लेके इसको लेके एक प्रेस एक्ट बनाने की केंद्र सरकार की पहल करनी होगी और इसमें तमाम राज्यों को इसके निर्देश जारी किए जाने होंगे। समय समय पर ऐसे निर्देश जारी होते हैं लेकिन वो वस्तुतः पालन नहीं किए जाते, जिसकी वजह है कि ऐसे लोगों की मेंटेलिटी मनोबल बढ़ता जाता है। बिल्कुल, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता जाता है और ऐसे में खबरें ये आती हैं कि एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है और आज तो 2 पत्रकारों की हत्या जो है वो हुई है। SN श्याम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं पटना पत्रकार संघ के। श्याम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। आप पहले तो जोड़ लें कि मैं बिहार प्रेस मेंस यूनियन का अध्यक्ष हूँ। जी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्याम जी, जिस तरीके से बिहार के हालात अब बदतर होते चले जा रहे हैं, पिछले 2-3 सालों में तकरीबन 7 से 8 पत्रकारों की हत्या हुई है और अगर हम शुरुआत की बात करें, राजदेव रंजन से हत्या की एक तरीके से कहें तो शुरुआत हुई थी, आखिर पत्रकार करे क्या? क्योंकि अगर आप कलम चलाएंगे तो इस तरीके के लोग खड़े होंगे और वो हत्या कर देंगे, कलम नहीं चलाएंगे तो फिर पत्रकारिता खतरे में आ जाएगी। ऐसा है कि देखिए, पिछले 2 सालों में नीतीश जी का जो दूसरा शासनकाल आया, पूरे देश में संभवतः यह पहला शासनकाल है आजादी के बाद से जिसमें 6 पत्रकार मारे गए। अभी नवीन निश्चल को लेकर 7 हो गया। गया में मिथिलेश पांडे मारे गए, सीतामढ़ी में अजय विद्रोही मारे गए, सिवान में राजीव रंजन मारे गए, सासाराम में धर्मेंद्र सिंह मारे गए, समस्तीपुर में ब्रजेश विभू मारे गए, फुलवारी में ललन फोटो छायाकार था वो मारा गया और ये 7वां नंबर आ गया नवीन निश्चल साहब का। हमारा कहना ये है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है, व्यवस्था के साथ पुलिस, अपराधी, माफिया, सरकार का गठजोड़ है और जब सरकार या माफिया या देखते सर जो शामिल लोग हैं देखते हैं कि हमारा अहित हो रहा है और पत्रकार को पहले तो उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, फिर खरीदने की कोशिश की जाती है और जो पत्रकार नहीं बिकते हैं उनको मौत से घाट उतार दिया जाता है।
सरकार ईमानदार, हमें भी कुछ देर पहले सुन रहा था शायद संभवतः अमिताभ ओझा जी का था, बिल्कुल बिल्कुल, सरकार सरकार जो है वो ईमानदार नहीं है पत्रकारों के प्रति, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के। अभी मैंने ही दो दिन पहले क्वेश्चन करवाया था नवल जी से कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए महाराष्ट्र में, इसी देश की सरकार है महाराष्ट्र में जहां पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बन गया, और बिहार में नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि बिहार में बहार है और पत्रकारों की हत्याकारी नीतीश सरकार है। इससे बढ़कर लालू जी के रिजन में भी ऐसा नहीं हुआ था जहाँ जंगल राज विशुद्ध था, ये तो जंगल राज से भी महाजंगल राज हो गया है। और सोचिएगा जिस राज्य में सात सात पत्रकार मारे जा रहे, और एक नया ट्रेंड चल गया, अमिताभ जी ने ठीक कहा, एक नया ट्रेंड चल गया कि कुचल के मार देंगे, गैर यात्री हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, कुछ नहीं होना उसको। पशुपालन घोटाला में भी इसी तरह कई जो है जो उसके ये थे उनको मार दिया गया ट्रक से कुचल करके छियासरपुर पर, कई घटनाओं की मैंने रिपोर्टिंग की है। अब एक नया ट्रेंड चला कि पत्रकार को अगर कुचल के मार दोगे, धक्का दो के मार दोगे तो हत्या का मुकदमा होगा नहीं, हम बच जाएंगे, कंडीशन से बचेंगे। ये सारे चीज का फायदा बड़े ही सोच समझ के नवीन निश्चल को मारा गया है। आज मेरी सुबह बात हुई थी 8:40 पर भोजपुर के एसपी से, उन्होंने कहा कि नहीं वो ऐसा नहीं है, वो कोई उनको कोई धमकी नहीं था, कुछ नहीं था। अरे भाई 10 मिनट पहले धमकी दे रहा है, 10 मिनट के बाद वोट के घाट उठा दे रहा है, तो आपको 10 मिनट में कहां खबर करेगा। भोजपुर के एसपी अवकाश कुमार जब गया में थे तो अहमद पांडे की हत्या हो गई, भोजपुर में आया तो नवीन निश्चल मारा गया। तो ये सारी बातें हैं जिन पर बड़े गौर करने की बात है, और जब तक पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं बनेगा तब तक पत्रकार इस राज्य में इस देश में सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, इसकी मांग अब पुरजोर तरीके से उठने लगी है। श्याम जी, संजय टाइगर जी हमारे साथ हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। संजय जी, जो हालात बने हैं और इस हालात में कलम कोई कैसे चला है? आप किस संदर्भ में इस सवाल कर रहे हैं? जो भोजपुरी घटना है उस संदर्भ में? बिल्कुल, देखिए जो आरोपी था उसको पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अनुसंधान के बाद ही सत्यता का पता चल पाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, घटना के पीछे जो भी दोषी पाए जाएंगे सरकार उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। बिहार में कानून का राज है और किसी को कानून अपने हाथ में नहीं दिया जाएगा। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। अभी मामले का अनुसंधान जब तक नहीं हो जाता कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन संजय जी पिछले दो सालों में संजय टाइगर जी सरकारी भाषा की बात का प्रयोग कर रहे हैं, यही संजय टाइगर जी जब सरकार में नहीं थे तो पत्रकार के हित की बात करते थे, आज ये करें कानून। अरे भाई कानून को हाथ में लोग ले रहा है, कहाँ सजा हो रही है? स्पीडी ट्रायल आप क्या खत्म हो गया, फास्ट ट्रैक सजा खत्म हो गई। संजय जी क्या बात कर रहे हैं आप, सरकारी भाषा संजय जी मत बोलिए। आप पूरी तरह सरकार में ठीक है लेकिन आप थोड़ा सा आपको होना चाहिए, आप विधायक भी रहे हैं उसी क्षेत्र के रहे हैं, बीओ क्षेत्र के आप विधायक रहे, आप ही के क्षेत्र जगदीशपुर से आप उसी क्षेत्र का वो लड़का मारा गया है, आप थोड़ा अपने आप को ई कीजिए संजय जी, आप सरकारी भाषा मत बोलिए। आप सरकारी भाषा बोल रहे हैं ठीक है, कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन लोग तो ले रहे हैं कानून हाथ में, हत्या हो रही है, आप सजा दिलवा नहीं सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट आपके यहाँ समाप्त है, स्पीडी ट्रायल खत्म है, किसकी बात आप कर रहे हैं? रोज तो एक तरफ एडीजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इतने अपराध में कमी आई, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, दूसरे तरफ पत्रकार की हत्या हो रही है, आप कह रहे हैं कानून का शासन है, कहाँ है कानून का शासन? हेलो, एक कानून के शासन का मतलब ये नहीं होता है कोई कानून का उल्लंघन नहीं करता है। कानून का शासन का मतलब ये होता है कि जो कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, जो दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, कानून के प्रावधानों के मुताबिक उन पर कार्रवाई होगी। अभी तुरंत कल की घटना है और आज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, एसआई का गठन कर दिया, इससे त्वरित कार्रवाई क्या हो सकती है? बिना किसी अनुसंधान के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मैं समझता हूँ किसी भी जिम्मेवार व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होगा। अनुसंधान होने चाहिए और एक बात और देखना होगा, मैं आरा के मामले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हो रहा था 8-9 पत्रकारों की हत्या के बाद सचमुच में यह गंभीर मामला है, लेकिन एक बात सोचना होगा, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या होती है तो उसके पीछे राजनीतिक कारण है या कोई और कारण है, इसके भी ताकतदार जरूरी है। संजय जी लेकिन एक चीज तो है श्याम जी, संजय जी अनुसंधान की रिपोर्ट क्या कहते हैं? संजय जी के पीछे पत्रकार का कारण था,
संजय जी, संजय जी एक चीज तो आप स्वीकार करेंगे, ये कुछ और कारण है, ये तो अनुसंधान का विषय है। संजय जी हत्या, संजय जी ये आज जो हत्या हुई, जो कल हत्या हुई है, चलिए इसके बारे में आप कह रहे हैं अनुसंधान और जल्दबाजी में निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन पिछली जो हत्याएं हुई, छह हत्याएं, उसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है? ऐसा होता है, लेकिन होने के बाद सरकार की कार्रवाई कैसी है, पुलिस वो ही क्यों रहा है? संजय जी तो क्या पत्रकार अपने कलम को रख दे? पत्रकार जो है वो छोड़ दे पत्रकारिता करना। पत्रकार की हत्या हुई है, जो पत्रकार मारे गए, लेकिन त्वरित कार्रवाई किया है। संजय जी, संजय जी एक क्या पत्रकार जो है वो पत्रकारिता छोड़ दे? गिरफ्तार किया गया है और सारा सच सामने आ जाएगा। संजय जी क्या पत्रकार जो है वो पत्रकारिता छोड़ दें? बिहार में अगर पत्रकार सेफ नहीं है तो बिहार के पत्रकार पत्रकारिता छोड़ दें? संजय जी सरकार नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा, संजय जी सरकार के आम आदमी भी, हर आदमी के कीमत, जान की कीमत बराबर है। राजनीतिक कार्यकर्ता हो, समान व्यक्ति हो, देखिए नौकरी पेशा में हो, आम आदमी, संजय जी आम आदमी किसी के खिलाफ लिख नहीं रहा है। जब पत्रकार लिखना शुरू करता है तब धमकियां मिलती हैं। जिन मामलों की जिक्र हो रही है उसके अनुसंधान के रिपोर्ट क्या कहते हैं? क्या पत्रकार की हत्या पत्रकारिता के चलते हुई है? राजदेव रंजन की हत्या किस वजह से हुई? संजय जी राजदेव रंजन की हत्या किस वजह से हुई? किसी कारण से नहीं होता है, उसकी व्यक्तिगत पारिवारिक रंजिश, कोई और कारण होता है। ठीक है, कारण कुछ उसके कारण में जाना होगा, मारे तो पहुंचना होगा। जो छह पत्रकार मारे गए वो पत्रकार तो थे, कारण तो अनुसंधान कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ। मैंने तो कहा कि हर आदमी की कीमत, जान की कीमत, श्याम जी आपका क्रोध हर व्यक्ति के मौत पर इसी तरह प्रकट होना चाहिए, वो चाहे किसी पीछे से जुड़े व्यक्ति हो, न्यायपालिका से हो, कार्यपालिका से हो, विधायिका से हो, पत्रकारिता से हो, आम आदमी हो, सरकारी नौकरी करता हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके जान की कीमत का मोल है। संजय बाबू इसके लिए तो आप लोग है ही है पॉलिटिशियन, लेकिन हम तो पत्रकार है, पत्रकार की बात करेंगे ना, आम आदमी के लिए तो आप तो नहीं, सबकी बात करिए, सबकी बात करिए। किसी की भी मौत होती है दुखद है, हत्या होती है दुखद है, आपको देखना ये है। सरकार कुछ सोचे, कोई दावा नहीं कर सकता, देश और दुनिया की कोई सरकार दावा नहीं कर सकती है कि हमारे राज्य में कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन पत्रकारों का सुरक्षा तो मुहैया हो सकती है सर। शासन प्रशासन किस तरह से निपटता है तो कम से कम पत्रकारों की सुरक्षा का ख्याल रखना तो जरूरी है, अन्यथा अपराधियों के अंदर लोगों को भेजा। ये सरकार अपराधियों को किसी भी हाल में बकसने वाली नहीं है, जो कानून का उल्लंघन करेगा सजा भोगेगा। चलिए देखना होगा कि इसमें क्या होता है। पत्रकारों को मरवाते रहिए और भाषण देते रहिए कि बकसने वाले, मरवा दीजिए जितना पत्रकार को मरवाना है, और पत्रकार छोड़ देंगे, पत्रकारिता बिहार में काले पन्ने में छोड़ देंगे। इस तरह के आरोप आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति लगाएंगे, भाषण देते रहिए। आपने अनुसंधान कर लिया, पूरा अनुसंधान, पत्रकार होने का मतलब है कि पूरा अनुसंधान आपने कर लिया, क्या हुआ, किसने मारा, किसने मरवाया, क्या हुआ, अनुसंधान की कोई जरूरत नहीं है। सरकार को अनुसंधान सौंप दे, पत्रकारों को अनुसंधान सौंप देना चाहिए। अनुसंधान की जो व्यवस्था है उसमें कितना अनुसंधान होगा? एसआईटी का गठन हुआ है, उसी के अनुसंधान की मान्यता होगी। हमारा और आप अनुसंधान करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अनुसंधान की क्या मान्यता होगी? आप भरोसा रखिए, शासन पर, प्रशासन पर, सरकार पर भरोसा रखिए। ये सरकार किसी को बचाने वाली है, इस देश में जो तंत्र है उन सभी पे भरोसा है संजय जी, लेकिन जरूरत है कि कार्यवाही हो और जो दोषी हैं उनको सजा मिले, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जरूरी है। चलिए तो इस चीज का हर कोई इंतजार कर रहा है कि उस व्यक्ति को सजा मिले जिसने ये कृत्य किया है। फिलहाल इतना ही वक्त मेरे पास है। श्याम जी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, नीरज बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हकीकत यही है कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है, और अगर उन पे इस तरीके से हमले होते रहे तो फिर सवाल ये उठ जाएगा कि आखिर पत्रकार क्या पत्रकारिता छोड़ दें। कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहे न्यूज इंडिया। नमस्कार।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।